बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है? बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। वक्त था कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम रीवा में हर घर तिरंगा अभियान व नशा मुक्ति अभियान के कार्यक्रम का। रीवा के प्रमुख विद्यालयों के छात्र छात्राओं से कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम खचा खच भरा था। सामने अतिथि दीर्घ में मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम सहित रीवा लोकसभा क्षेत्र से सांसद, रीवा संभाग का प्रशासनिक अमला मौजूद था। रीवा के कुछ विद्यालयों के छात्रों द्वारा नशा मुक्ति को लेकर नुक्कड़ नाटक का मंचन भी किया गया कि किस तरह से नशे से दूर रहना चाहिए। सभी अतिथियों के उद्बोधन छात्रों ने सुने। सभी अतिथियों ने उद्बोधन देते हुए नशे से दूर रहने के लिए छात्रों को सुझाव भी दिए, शपथ भी दिलाई गई। लेकिन एक बार फिर रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा ने बड़ा ही अजीबोगरीब ज्ञान बच्चों को दिया है। कोई भी कार्यक्रम हो, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं छूटा होगा जिससे जुड़ी घटना रीवा सांसद के साथ न हुई होगी। पूर्व में मॉडल स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में बताया था कि वह यदि सांसद ना बनते तो आज वह चाकू चला रहे होते। खैर, उनके बयान के बाद अब जनता को ज़्यादा हैरानी नहीं होती क्योंकि यह कोई नई बात नहीं है। अक्सर इस तरह के बयानबाजी करते रहते हैं, केवल बयानबाजी ही करते हैं उनके सांसद, क्योंकि विकास के कार्य ना के बराबर हैं। यही नवनिहाल अपने गली मोहल्लों वार्डों से किस तरह से निकल कर आते हैं। कीचड़ भरी सड़कें रहती हैं, नालियां गंदे पानी से पट्टी हैं, बीमारियां पैदा होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के हालात तो खाट पर हैं, विद्यालय की छतें टूटी हुई हैं, छात्र नीम के पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर रहते हैं, शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, शिक्षक नशा करके आते हैं, पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था नहीं है। इस ओर सांसद का ध्यान शायद ही गया हो। आज पूरा रीवा नशे की गिरफ्त में है। शायद ही कभी जनार्दन मिश्रा ने कहा हो कि कोरेक्स की एक भी सीसी रीवा जिले में नहीं दिखेगी। उन्होंने शायद ही कहा हो कि मैंने ऐसा काम कर दिया है कि अब नशे का अवैध धंधा नहीं दिखेगा। कहते हैं कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुमको यकीन नहीं। लेकिन अब निहालों के सामने इस तरह से कहना, क्योंकि बच्चे ऐसी सब बातों को सोचते हैं और उसको स्मरण करके एक बार करने का प्रयास जरूर करते हैं। खैर, आपको बता दें कि नशा मुक्ति अभियान को लेकर कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में कार्यक्रम चल रहा था। अपने ज्ञानमयी ओजपूर्ण वक्तव्य में रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा आए और वह ऐसी बात कह डाले, हो सकता है छात्रों को भी समझ ना आई हो। उन्होंने कहा कि वह छठवीं क्लास में थे तो सिगरेट पीना सीख गए थे। कोई बड़ा अधिकारी उनके सामने सिगरेट पी रहा था तो वह भी सीख गए थे। अब ऐसे में बच्चों के मन में भी आएगा कि चलो एक बार कोशिश करते हैं। कैसा लगता है जब उनके सांसद ही ऐसा कर चुके हैं, क्योंकि छात्रों में बहकाव और मन में चंचलता इसी उम्र में आती है। छात्रों को नशे के दुष्परिणाम बताना चाहिए, किस तरह से उनका शरीर नष्ट हो जाएगा, सोचने समझने की क्षमता नष्ट हो जाती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, अपराध करने के लिए उत्तेजित होते हैं। लेकिन श्री मिश्रा ने बताया कि वे कक्षा छठवीं में सिगरेट पीना सीख गए थे। हालांकि सबका अपना अपना तरीका है किस तरह से अपना ज्ञान दूसरों में परोसना है। बातों ही बातों में जनार्दन मिश्रा ने यह भी कहा कि वह केवल एक ही जूता पहनते हैं, कई सालों से पहन रहे हैं। खैर, अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में करोड़ों का ब्यौरा निकलकर सामने आया था। आप भी सुनिए सांसद जनार्दन मिश्रा ने छात्रों को क्या जानकारी दी है, और सुनिए आपके सांसद जनार्दन मिश्रा कब सिगरेट पीना सीख गए थे। विराट 24 न्यूज की आप सभी छात्र छात्राओं से, बच्चों से, विद्यालय में राष्ट्र निर्माण करने में अपना योगदान देने वाले शिक्षकों से, विराट 24 न्यूज देख रहे सभी गणमान्य नागरिकों से अपील है कि नशे से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि नशा ही नाश का कारण होता है। यह एक नाशवान शक्ति है जिससे हमारा तन मन धन सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ। Yeah.
टैलेंट स्कोप हमें आवश्यकता है। टेलीकॉलिंग और रिक्रूटमेंट कार्य के लिए शिक्षित लड़कियों की आपके शहर रीवा में वेतन 7,000 से 12,000 दिया जाएगा, जो कि आपके काम पर निर्भर होगा। कार्यालय का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है और 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। प्लेसमेंट या ज्वाइनिंग के लिए किसी भी प्रकार के शुल्क की आवश्यकता नहीं। इंटरव्यू के लिए संपर्क करें, हमारा पता है टैलेंट स्कोप, 3rd फ्लोर, लोटस टावर, विष्णु विलास होटल के बगल में, खुटेही रीवा। हमारा नंबर है 0779-0630-20, 0691-9146-08।